ओम शांति। स्टेप वन, अपने शरीर से संपूर्ण डिटैच हो जाएं। मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। अपने फॉरहेड के बीच में डिटैच हो जाएं, अपने इस शरीर से। यह शरीर अलग, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूं। मैं अपने इस शरीर से डिटैच हूं। यह शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूं। डीपली एकाग्र करें अपने आत्मिक स्वरूप पर। सेकेंड स्टेप, फील करेंगे मैं आत्मा संपूर्ण इस शरीर से न्यारी हूं। संपूर्ण इस शरीर से अलग, एक न्यारी प्यारी विशेष आत्मा हूं। अपने बिंदु रूप पे संपूर्ण एकाग्र हो जाएं, कॉन्सेंट्रेट करें मैं इस शरीर से संपूर्ण न्यारी हो चुकी हूं। मैं विशेष आत्मा हूं। मैं एक महान आत्मा हूं। थर्ड स्टेप, साक्षी हो जाएं इस शरीर से और इस संसार से। जो भी कार्य है, घर, ऑफिस, संबंध, इन सर्व से मैं आत्मा साक्षी हो चुकी हूं। जैसे यह ड्रामा एक नाटक चल रहा है और मैं आत्मा साक्षी अवस्था में स्थित होकर इस खेल को देख रही हूं। मैं साक्षी होकर देख रही हूं देह को, इस संसार के खेल को। संपूर्ण साक्षी हूं अपने हर कर्म संबंधों से। फोर्थ स्टेप, गहराई में जाएंगे अपने इस आत्मिक स्थिति में।
जैसे कि यह संपूर्ण देह शरीर लोप हो चुका है। मुझे बस दिखाई दे रही है एक आत्मा ज्योति स्वरूप। जैसे कि यह शरीर यह संसार लोप हो चुका है, बस मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस मैं एक चमकता सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। डीपली फील करेंगे इस सोल कॉन्शियस स्टेज को, गहराई से मैं अनुभव कर रही हूं मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। फिफ्थ स्टेप, उपराम हो जाएंगे इस संसार से, इस देह से, उड़ चले ऊपर की ओर, पहुंच जाए परमधाम में, आत्माओं की दुनिया, शांति धाम, चारों तरफ लाल प्रकाश। पहुंच जाएं परमात्मा शिव बाबा के एकदम पास, जैसे मैं बिंदु आत्मा हूँ वैसे परमात्मा भी बिंदु स्वरूप आत्मा है। वे हमारे पिता हैं। फील करेंगे परमात्मा शिव बाबा से एक लाइट निकल मुझ आत्मा में समा रही है। मैं संपूर्ण कनेक्टेड हूं परमात्मा शिव बाबा से। डीपली उनके साथ का अनुभव करें। परमधाम में मैं आत्मा परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड हूं, एक लाइट की तार कनेक्टेड है परमात्मा शिव बाबा से मुझ आत्मा में। इस लाइट से मैं आत्मा संपूर्ण शक्तिशाली बन चुकी हूं, जैसे परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है वैसे मैं आत्मा मास्टर
सर्वशक्तिवान हूं।
भी देखेंगे। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बेदाग हीरा बन चुका हूं। मुझ आत्मा में कोई दाग कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं संपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरे संकल्प मेरे संस्कार मेरे स्वभाव संपूर्ण पावन हो चुके हैं। अभी देखेंगे मुझ आत्मा से ये किरणें नीचे सारे विश्व में फैल रही है। जिससे प्रकृति के पांचों तत्व पावन हो रहे हैं। अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी इन किरणों से संपूर्ण पावन हो रही हैं। इन किरणों से सृष्टि की असंख्य आत्माएं पावन बन रही हैं। इन पवित्रता की किरणों से ये सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। गहराई से अनुभव करेंगे ये सृष्टि पावन बन रही है। जैसे जैसे ये पवित्रता की किरणें इन आत्माओं पे और पृथ्वी पे तत्वों पे पड़ रही हैं वैसे वैसे ये पावन बन रही हैं।
देखेंगे। यह सृष्टि गोल्डन एज सतयुग में परिवर्तन हो रही है। सर्व आत्माएं संपूर्ण पावन है। यहां पे श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य है। चारों तरफ सुख ही सुख है। फील करेंगे मैं फरिश्ता ग्लोब पे स्थित हूँ और परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मुझ में दिव्य शक्तियों का प्रकाश समाकर नीचे सारे ग्लोब को मिल रहा है। धीरे धीरे यह किरणें पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। मानो पृथ्वी के इस ग्लोब को एक सुरक्षा कवच बना चुकी है। मैं एक लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मेरा कोई संकल्प नहीं। परमात्मा शिव बाबा मुझ द्वारा सारे संसार को दिव्य शक्तियों का दान दे रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं इन किरणों को
अनुभव कर रही है और तृप्त हो रही है। मुझ फरिश्ता से यह किरणें इस संसार रूपी ग्लोब को मिल रही है। अनुभव करेंगे संसार की सभी आत्माएं एक लाइट स्वरूप सितारा बन चमक रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी मुझसे यह किरणें मिल रही हैं। इसी स्थिति में एकाग्र रहे, पूरा ग्लोब मानो यह परमात्मा किरणों से जगमगा उठा है। संसार की सभी आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर रही हैं। वे दिल से शिव बाबा को और मुझ फरिश्ता को दुआएं दे रही हैं। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा मुख्य कार्य है ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर इस विश्व को देना। यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अनुभव करेंगे प्रकृति के पांचों ही तत्व शांत और शीतल बन चुके हैं। सभी आत्माओं को यह सुख दे रहे हैं। इसी स्थिति में हम 3 मिनट तक एकाग्र रहेंगे परमात्मा शिव बाबा से मुझ फरिश्ता में दिव्य शक्तियों की किरणें समाकर नीचे
सारे ग्लोब को मिल रही है। जितना जितना हम ग्लोब पे स्थित हो, सारे संसार को सकाश देंगे, उतना ही रिटर्न में हमें इन सभी आत्माओं की दुआएं प्राप्त होंगी। विनाश काल में प्रकृति हमें सहयोग करेगी। जितना हम यह मनसा सेवा करेंगे, अंतिम समय में हमारा साक्षात्कार होगा। हम साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। जितना जितना हम यह मनसा सेवा करेंगे, हमारे जीवन के सभी समस्याएं विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।